दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि शुरुआती समय में मैंने 1000 सब्सक्राइबर अपने कैसे कंप्लीट किए। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने शुरुआत में 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किए। साथ में ये भी बताऊंगा कितने दिन लगे, कौन से ट्रिक मैंने लगाया ये बताऊंगा, और साथ में कुछ चीज़ है जो आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपना मतलब जो है अपनी चीज़ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कितने समय लगे मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में इस चैनल के लिए। जी हाँ, अभी आप 1 लाख सब्सक्राइबर देख रहे हो, बट एक समय ऐसा भी था जब मैंने शुरुआत जीरो से किया था और मेरे कितने टाइम लगे 1000 सब्सक्राइबर होने में। साथ में मैंने कौन सी ट्रिक लगाई जो 1000 सब्सक्राइबर हुए और 4000 घंटे की वॉच टाइम कंप्लीट हुए। साथ में आप लोगों के लिए कौन सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो कि आप लोग भी कुछ फायदा ले सकते हो, साथ में आप लोगों को अनुभव मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, एक मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए होने वाली है ये, और आप लोगों को एक कमाल की जो है फायदा भी मिलने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हो उस चीज को जो मैंने अप्लाई किया। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार एक एक हाथ मिल करके ही 1 लाख सब्सक्राइबर आज आप लोग बना दिए, तो एक एक हाथ मिल करके ही और आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर इनेबल करना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मैं जब भी अपना चैनल को स्टार्ट किया उस समय मेरे 0 सब्सक्राइबर थे। जाहिर सी बात है, जो भी चैनल स्टार्ट करता है उस समय उसके 0 ही सब्सक्राइबर रहते हैं, और 0 सब्सक्राइबर मेरे भी थे। सभी स्टार्ट 0 से ही करते हैं, मेरे भी स्टार्टिंग में 0 ही थे, और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ मतलब सोच के रखा था कि ये करूँगा वो करूँगा। बट उस समय क्या होता है, जब आप चैनल बना लेते हो तो फिर उसके बाद आपको वीडियोज़ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो दिमाग से फिर मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आने लगता है कि भाई क्या वीडियोस बनाएं या कैसी बनाएं। कुछ फर्स्ट टाइम शुरुआत में समझ में नहीं आने लगता है, तो मैंने कोई भी वीडियोस नहीं बनाया। मैंने एक वीडियो बनाया था, बट वो वीडियो जो है शायद से अभी मेरे चैनल पर डिलीट हो चुकी है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था, और वो फेस वीडियो नहीं था, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो था, वॉइस ओवर, जैसे आप लोग जानते हो कि अर्निंग एप्लीकेशन की वॉइस ओवर की जाती है, उसी टाइप की वीडियो थी। और सेकेंड वीडियो या थर्ड वीडियो मैंने बनाया एक ऐसा मतलब एक जो मेरा सब्सक्राइबर पूरे होने के कंप्लीट जो हुए 1000 उसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो डाला तो व्यूज़ नहीं आए थे उस पर। ऑब्वियसली बात है, व्यूज़ नहीं आएंगे, और मैं कोई फ्रेंड फैमिली किसी के पास शेयर नहीं करता था, शर्म लगती थी कि भाई वो देखेगा तो क्या बोलेगा भाई, मतलब समझ सकते हो। तो फिर मैंने किसी को शेयर नहीं किया था। एक्चुअली हुआ कि मैंने जो मैं शुरू में अर्निंग एप्लीकेशन पर वीडियो बनाता था कि भाई ये एप्लीकेशन ऐसे अर्निंग करना है, इससे ये इतने का पेटीएम कैसे आप कमा सकते हो, वैसे आप लोग देखे होंगे, तो इस टाइप के वीडियो बनाता था। 2-3 वीडियो बनाया, नहीं समझ में आया, तो एक वीडियोस मैंने उसी टाइप का चैनल को धर के रखा। मतलब आपको पता है कि कुछ आप लोग जिस टाइप के वीडियोज़ को बनाते हो आप उस टाइप के चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, ताकि आपको पता चले कि बाद में आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड बनाना है, वो जैसा बनाता है उसी टाइप के, उसी से इंस्पायर होना है, ठीक है। तो उसी टाइप से मैंने एक चैनल था, उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे मैं इंस्पायर था और उनके अनुसार ही वीडियोस बनाता था। तो एक दिन उनके चैनल पर मैंने देखा कि कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो सेम उसी टाइप का वीडियो, सेम का मतलब उसी टाइप का वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। जी हाँ, और थंबनेल वगैरह देखे, मतलब कमाल की थंबनेल थी। और हुआ यूँ कि वो वीडियो शुरू में यूट्यूब भी प्रमोट करती है आप लोगों की, ये चीज़ मैं मानता हूँ। जैसे ही हुआ यूँ कि वो वीडियो भी अपलोड किए थे जो बहुत बड़े यूट्यूबर थे, उनसे मैं इंस्पायर हुआ था, वो भी अपलोड किए, तो मैंने उसके बाद अपलोड किया, तो मेरे उस वीडियोस से ज़्यादा मेरे वीडियोस पे व्यूज़ आए और ज़्यादा लोग मेरे वीडियोस को पसंद किए, और 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए मैंने अपने उस वीडियोस के बाद। 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए करीब करीब मान के चलो तो 30 दिन या ऐसे कुछ हुए होंगे, 30-35 दिन के अंदर अंदर 1800 सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट कर लिए, और धीरे धीरे वीडियो जो बूस्ट हो गई, और उसके बाद वॉच टाइम भी मेरे कंप्लीट होने लगे, क्योंकि 1.5 लाख के अराउंड उस पर व्यूज़ थी, तो उस वीडियोस पे भी मेरे वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गए, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी 7-8 मिनट की थी, उस पर वॉच टाइम भी अच्छी मिल रही थी, 3-4 मिनट की, तो जल्दी ही पूरे हो गए वॉच टाइम भी। और 1000 सब्सक्राइबर जब मेरे कंप्लीट हुए थे तो उस समय वॉच टाइम मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो आपको ये 2 चीज़ समझ में आई कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे एक मंथ के अंदर, एक मंथ से 35-40 दिन, 1.5 मंथ मान के चलो शुरुआत में, लेकिन उस समय मुझे कुछ ट्रिक या कुछ पता नहीं थी, और लेकिन ये चीज़ थी जो मैं आपको बताया, आपके साथ शेयर किया कि मैंने क्या किया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि वॉच टाइम मेरे 1000 सब्सक्राइबर पे कंप्लीट नहीं हुए थे, 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मेरे वॉच टाइम कंप्लीट हुए, तब मैंने अप्लाई किया यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसी टाइप की वीडियोज़ थोड़े बहुत कर करके डालने लगा, मतलब कि 8-9 वीडियो मैंने उसी टाइप का बनाया ताकि व्यूज़ अच्छा आ जाए, और उस पर भी व्यूज़ आए। जी हाँ, जाहिर सी बात है व्यूज़ आए। अब वॉच टाइम के लिए मैंने एक ट्रिक लगाया था, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। वॉच टाइम के लिए मैंने एक क्या ट्रिक लगाया था कि मेरे वीडियोज जो थे मैंने एक वीडियोज़ बना दिया 27 मिनट का,
भाई कसम से बोल रहा हूँ, 27 मिनट का वीडियोस बना दिया। एक्चुअली उस वीडियो में डिसलाइक भी बहुत सारे मिले, बहुत सारे मतलब लाइक तो ज़्यादा ही थे, मान के चलो। तो डिसलाइक 1,000 थे, तो डिसलाइक भी मेरे उसमें से 200 300 थे, 300 400 डिसलाइक थे, मतलब कि 60% लाइक थे उसमें। फिर भी डिसलाइक को मैंने इग्नोर किया क्योंकि वीडियो अच्छी थी, बट थोड़ा सा मैंने उसमें फालू मतलब बढ़ा दिया मतलब टाइम, ताकि वॉच टाइम मेरे मिले। और उस वीडियो से यकीन मानिए 7 से 8 मिनट की एक बंदा वॉच टाइम मिल रही थी, और वो वीडियो भी मेरे 30 40 हज़ार व्यूज़ चले गए, और 30 हज़ार व्यूज़ में इतने ज़्यादा वॉच टाइम मिल गए कि क्या बताऊँ यार। और काफ़ी लोग तो अच्छे भी बोले, काफ़ी लोग बुरे भी बोले, वैसा नहीं है कि सभी लोग अच्छे ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को अगर वॉच टाइम बढ़ाना है तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो आप लोग बना सकते हो शुरुआत में, और लॉन्ग वीडियो ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिए, क्योंकि आपको लेके चलना होता है ताकि ऑडियंस भी आपका लॉन्ग वीडियो को देखे पूरा। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो कुछ भी बोल देंगे तो फिर ऑडियंस तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट ट्रिक मैंने आपको बताया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपको मैंने बताया कि आप जिसको फॉलो करते हो, जिस क्रिएटर को आप फॉलो करते हो, ऐसा नहीं कि आप मुझे ही फॉलो करते हो या मुझे फॉलो करते हो तो आप मेरे ही किसी बढ़िया वीडियो को देखिए जो ज़्यादा व्यूज़ है, उस टाइप के वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपने टाइप कैटेगरी में। ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियोज़ को करो, आप अपने कैटेगरी में आप जो वीडियो बनाते हो उस टाइप के यूट्यूबर को देखो, फॉलो करो और देखो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने किया शुरुआत में, तो मेरे 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी, बाकी आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा बहुत कुछ अभी बताना बाकी है, जो कि ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए यहीं पर एंड करता हूँ। सो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद, धन्यवाद।